सो दोस्तों इस वीडियो आप लोगों को बताने वालों कि अगर आप लोग न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हो ना, आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हो ना यूट्यूब पे, तो आपका चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यूज नहीं बढ़ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 100% मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सॉल्व हो भी जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हो तो आप लोगों को जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, 4-5 दिन 10 दिन होता है तो 2-4-5 सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं थे, वो भी नहीं बढ़ते हैं, आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, क्या प्रॉब्लम करते हैं जिस कारण से दोस्तों हम लोग का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, या फिर दोस्तों हम न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो उस पर सब्सक्राइबर कैसे लाते हैं, स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर उस पर हम लोग कैसे गेन करेंगे, कैसे सब्सक्राइबर लाएंगे, तो उसमें आप लोगों को यही बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखोगे ना, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाता है कि अपने सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाते हैं एक ही क्लिक में, यानी कि एक सेटिंग ऑन करने से आपका सब्सक्राइबर कैसे बढ़ जाएगा। अगर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले तो आपका 100 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आपको बहुत सारे थंबनेल यानी कि बहुत सारे आपको वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कुछ और बता रहा था, थंबनेल में कुछ और बता रहा है, हम लोग अभी सब्सक्राइबर जो नहीं बढ़ रहा, वीडियो देखे फालतू में देखे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा देखना मिलता नहीं दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइबर हम लोग न्यू स्टार्टिंग चैनल जो न्यू यूट्यूब चैनल हम लोग बनाते हैं ना, तो उस पर हम लोग सब्सक्राइबर कैसे लाएंगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब पे न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हो ना, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो अपलोड करते होंगे, वीडियो अपलोड करने बाद आप लोग वेट करते हो कि मेरा वीडियो पे कौन वीडियो मतलब देखेगा, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब पे न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हो ना, तो आपका यूट्यूब चैनल कहीं भी सर्च में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, अगर सर्च में आपका यूट्यूब चैनल नहीं आएगा, अगर आप वीडियो को सर्च कर दो तो आपका वीडियो भी सर्च में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल न्यू यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आपके चैनल पर कोई सर्च नहीं कर रहा है, लोग आपका चैनल पर कोई देख नहीं रहा है, तो इस कारण से आपका चैनल जो सर्च में नहीं आ रहा है। और सर्च में आने भी लगेगा तो आपका वीडियो कोई नहीं देख रहा होगा, इसलिए नहीं देख रहा कि आपका वीडियो जो है न्यू वीडियो बनाए हो, आपका वीडियो एक दो वीडियो डाले होंगे, आपका वीडियो सर्च में नहीं आता होगा, तो उस टाइम आपका चैनल को कोई नहीं देखता है, कोई भी मतलब आपका वीडियो नहीं देखता है। तो इस कंडीशन हम लोगों को करना क्या होता है कि दोस्तों अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी कि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर होगा, तो आप क्या कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए अपने व्हाट्सएप, जितना भी सारे आपके व्हाट्सएप में ग्रुप होंगे उस ग्रुप में अपने वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, उसको बोलिए कि भाई मेरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है आप बोल सकते हो। उसको यूट्यूब पे आना है, फेसबुक पे आने के बाद यूट्यूब सब्सक्राइबर या फिर सब और सब लिख के सर्च करना, आपको बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भी जाके अपने यूट्यूब चैनल का URL सेंड कर सकते हो, अपने मतलब कि जो भी ग्रुप है उसमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको सेंड करना है, सेंड करोगे तो आपका वीडियो कोई भी देखेगा, तो आपका वीडियो वहाँ पे सब्सक्राइब भी करेंगे, आपका वीडियो पे व्यूज भी आएंगे, ठीक है। ये जो दो तरीका हो गया, फिर अगर इंस्टाग्राम से यानी कि इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो तो वहाँ भी शेयर कर सकते हो, या फिर दोस्तों मैसेंजर में भी चाहो तो मैसेंजर से अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों हम लोग न्यू यूट्यूब चैनल पर शेयर करके हम लोग जो यहाँ से जो है हम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई मेरा फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो गया, मेरा फर्स्ट ब्लॉग ऐसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जो भी फर्स्ट ब्लॉग जो बनाया ना वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरा फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो गया, तो इसमें क्या है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, लोग जो है ना अपना पैसा देकर अपने चैनल को प्रमोट कराते हैं, अपने चैनल पैसा देकर अपने वीडियो को प्रमोट कराते हैं। तो प्रमोट करा के दोस्तों हम लोग कोई फायदा नहीं है। अगर प्रमोट कराते हो और आपके पास टैलेंट है, यानी कि आप अच्छा तरह से बोल पा रहे हो, अच्छा तरह से वीडियो बना रहे हो, अच्छा तरह से सब कुछ कर लेते हो, आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा है, तो आप प्रमोट कीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। प्रमोट करते हो ना भाई, तो अगर आपका वीडियो सब कुछ अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका सेटअप अच्छा है, अगर आप कुछ भी वीडियो बनाते हो बहुत अच्छा तरह से बना रहे हो, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इस कंडीशन अगर आप प्रमोट कराते हो ना वीडियो को, तो उस टाइम में क्या होगा कि बंदा जो भी आपका सब्सक्राइबर आपका वीडियो देखेगा, यानी कि जो भी लोग आपका वीडियो देखेगा ना, आपका टैलेंट देख के ना आपका चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास टैलेंट है ना, आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा है, आप लोग सब कुछ सही से बना रहे हो, तो आप प्रमोट कीजिएगा ना, तो जो भी आपका वीडियो लोग देखेंगे आपका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज का टाइम में भाई आपका जो जितना भी लोग हैं अभी का टाइम में, सब आदमी का पहले इंसान का टैलेंट देखता है कि टैलेंट बंदा कैसा वीडियो बना रहा है, किस तरह का बोल रहा है, किस तरह का इसका मतलब कि क्वालिटी है क्या है, सब पहले देखते हैं, उसके बाद आपका चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि क्या बंदा जो बताता है सही बताता है या फिर गलत बताता है। दोस्तों YouTube पे ऐसा नहीं है कि भाई आपका वीडियो कोई देख लिया चलो सब्सक्राइब कर दिया, इस मेरा वीडियो कोई देख लिया चलो लाइक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आपका वीडियो को तभी लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जबकि आपका वीडियो देखने बाद उसको कुछ हेल्प होता है, कुछ उसको मदद मिलता है, आपका वीडियो देखने बाद उसको कुछ इंटरेस्ट आता है आपके ऊपर, तब जाके आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा नहीं भाई कि आपका वीडियो देख लिया तो बंदा चलो सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ फ्रेंड, अगर हम लोग कोई दुकान जाते हैं ना, तो कोई दुकान देखते कि वो दुकान बहुत अच्छा है, और कोई ऐसा दुकान जाते हैं जहाँ जो कि देखने में बहुत खराब लगता है कि मतलब कि ये दुकान में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उस दुकान को इग्नोर करके हम लोग दूसरा दुकान चला जाते हैं जिसपे कि अच्छा से दिखता है, अच्छा से लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग यूट्यूब पे होता है फ्रेंड कि हम लोग जो मतलब बंदा देखते हैं वीडियो कि हाँ चलो ये बंदा कुछ
नहीं बता सकता है तो इसका चैनल को इग्नोर कर देते हैं। और जो बंदा दूसरा देखते हैं ना कि हाँ चलो ये बंदा लगता है कि मतलब कुछ अच्छा दिखा सकता है, क्योंकि इसका दुकान जो है बहुत बड़ा है यानी कि इसका चैनल बहुत बड़ा है, तो हम लोग को लगता है कि हाँ कुछ दिखा सकता है। मजा आया। और तो ऐसा दोस्तों हम लोग गलत फहमी हम लोग अपने मन में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग जो यूट्यूब पे है ना कोई ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो भी यूट्यूबर होते हैं ना सबसे पहले दोस्तों आपका वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको क्या मतलब उस वीडियो से हेल्प मिलता है या फिर नहीं मिलता है पहले वो मैटर करता है। आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को हेल्प नहीं मिलता ना तो उस चैनल को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वीडियो देखने पहले आप उस चैनल को इग्नोर मत करो, ठीक है। आप पहले देखो उसका चैनल को चेक करो कि हाँ मतलब चलो भाई वीडियो बता रहा है सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है, उसके बाद आपको इग्नोर करो, ठीक है। तो YouTube पे दोस्तों यही होता है कि अगर आप अच्छा तरह से वीडियो नहीं बना रहे हो, अच्छा तरह से थंबनेल नहीं बना रहे हो, अच्छा तरह से टैग नहीं डाल रहे हो तो दोस्तों आपका वीडियो कोई भी नहीं देखेगा, आपका वीडियो सर्च में नहीं आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई कि आप एक सेटिंग ऑन कर लिए तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, एक सेटिंग दो सेटिंग ऑन कर दो तो आपका चैनल बूस्ट हो गया, ऐसा कुछ भी YouTube पे नहीं भाई। बस आपका एक्सपीरियंस है, जितना अच्छा से आप वीडियो बनाओगे, जितना अच्छा से आप सब कुछ करोगे उतना अच्छा से दोस्तों आपका वीडियो चलेगा, आपका वीडियो वायरल होगा। दोस्तों मैं YouTube पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूबर बना रहे हैं जो कि भाई एक सेटिंग ऑन कर लो तो 24 घंटा में आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 48 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं YouTube पे ऐसा कोई भी ट्रिक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं आप लोगों को रियली बता रहा हूं। मैं यहां पे मैं भी 1-2 साल से YouTube पे काम कर रहा हूँ, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। YouTube पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थंबनेल अच्छा से बनाना है। अगर आपका चैनल पे व्यूज लाना है ना तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को चैनल पे व्यूज लाना है तो आप लोग थंबनेल ऐसा बनाओ कि जो कि लोग देखें और क्लिक ही कर दे। जैसे कि अभी YouTube पे देख रहा हूँ ना कि अपने जो भी टैग यूट्यूबर है व्यूज लाने के लिए क्या कर रहे पता है, थंबनेल में बता दिया कि आपका 1 दिन में सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वीडियो देखने बाद पता चलता है कि वहाँ एक सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने में लगता है 1 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, इस तरह से बताते हैं। तो थंबनेल में कुछ और बता रहे हैं, वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, लेकिन YouTube का पॉलिसी के खिलाफ है। अगर ऐसे आप बनाते हो तो आपका चैनल पर स्ट्राइक भी मिल सकता है, YouTube भी आपको स्ट्राइक दे सकता है। अगर इस तरह का मतलब उल्टा पुल्टा कुछ करते हो, आपका थंबनेल में कुछ और है, वीडियो में कुछ और है, टाइटल में कुछ और है, डिस्क्रिप्शन में कुछ और है, इस तरह अगर करते हो ना तो आपका चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है। दोस्तों आप इसी तरह से जो है आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइबर जो है बढ़ा सकते हो। न्यू YouTube चैनल है तो आप लोग सभी को जो है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी है शेयर करके आप न्यू YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर ला सकते हो, व्यूज ला सकते हो। दोस्तों और कोई ऑप्शन जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी रियली था मैं आप लोगों को बता दिया, बाकी दोस्तों आप लोगों का मन में जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो करना। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों को पता है कि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है।